हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन vidya.in यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक और पैरामेडिकल कोर्स की जानकारी लेके आए हैं जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग है, हाईली प्रिफर्ड है और जिसकी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, और वो है रेडियोलॉजी। आपको इस वीडियो में व्हाट इज़ रेडियोलॉजी, अवेलेबल कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस, फी स्ट्रक्चर, सैलरी, रेडियोलॉजी जॉब प्रोस्पेक्ट्स, रेडियोलॉजी करियर अपॉर्चुनिटी, इस तरह की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग अपने चैनल पे कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप की वीडियोस क्रिएट करते हैं। आप हमारी वेबसाइट vidya.in, दैट इज़ www.vidya.in पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इसी तरह की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ रेडियोलॉजी। देखिए, अगर हम सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो रेडियोलॉजी को हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी बोलते हैं। रेडियोलॉजी में हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की पिक्चर और इमेजेस मेडिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू लेते हैं। इनफैक्ट रेडियोलॉजी एक तरह की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें कि हम एक्सरे, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी जैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये सभी टेस्ट डॉक्टर को बहुत हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। अगर देखा जाए तो रेडियोलॉजी के बिना किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना इम्पॉसिबल है। रेडियोलॉजी में बॉडी ऑर्गन्स का इंटरप्रिटेशन इंजरीज या किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। रेडियोलॉजी से हम बहुत सी डिजीज़ को बहुत अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको सही तरह से ट्रीट कर सकते हैं। रेडियोलॉजी कोर्स में स्टूडेंट्स को इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को सही तरह से परफॉर्म करना सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको सभी तरह की डायग्नोस्टिक मशीन को हैंडल करना और उनको प्रॉपरली यूज़ करना सिखाया जाता है। इसमें MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एक्सरे जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। रेडियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि इस एक कोर्स को करने से आपके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करने की स्किल आ जाती है। आपको रेडियोलॉजी कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है। फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी व्हेन वी परफॉर्म नॉन इनवेसिव इमेजिंग स्कैन्स टू डायग्नोस एनी डिजीज। इसमें हम लो रेडिएशन डोज के थ्रू हाईली डिटेल्ड इमेजेस को मेडिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन। सेकंड होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। देखिए, कई ऐसे रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं जिसके लिए हमें बॉडी में एक छोटा सा कट लगाना पड़ता है। तो उस तरह के टेस्ट को परफॉर्म जब हम करते हैं उनको हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं रेडियोलॉजी के कोर्सेज एंड ड्यूरेशन के बारे में। देखिए, रेडियोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये सभी कोर्सेज 1 ईयर के शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं, जिसमें आप सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन MRI, सर्टिफिकेट इन CT स्कैन जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है। रेडियोलॉजी में आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड रेडियोथेरेपी, डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, और ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज 2 ईयर्स के होते हैं। रेडियोलॉजी में अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप BSc इन रेडियोलॉजी या BSc इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज 3 ईयर्स के होते हैं। आजकल काफ़ी सारे कॉलेजेस रेडियोलॉजी में बहुत से स्पेशलाइजेशंस भी ऑफर करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट इमेजिंग स्पेशलिस्ट, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी लेड रेडियोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेडियोलॉजी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके पास 12th साइंस स्ट्रीम से मिनिमम 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। अच्छी बात रेडियोलॉजी में ये है कि अगर आप PCM से हैं या PCP से हैं तब भी आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रेडियोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सभी तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में 12th के मार्क्स के बेसिस पे यानी कि मेरिट बेस पे आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स 12th में बहुत अच्छे होने चाहिए, 80 to 85% तक होने चाहिए, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 12th के बाद अगर आपके 50% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप रेडियोलॉजी कोर्सेज लाइक डिप्लोमा कोर्सेज या फिर डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपको ज़्यादातर एडमिशन डायरेक्ट मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, और आप ये एडमिशन 10th क्लास के बाद भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजी कोर्सेज में फ़ीस स्ट्रक्चर की। देखिए, ज़्यादातर सर्टिफिकेट कोर्सेज की जो फ़ीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 45,000 होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, और अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो यही फीस 40,000 to 50,000 पर एनम की हो सकती है। और अगर आप डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो आपकी फीस लगभग 60,000 to 70,000 पर एनम की होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो आपकी फीस 10,000 to 15,000 पर एनम की हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं रेडियोलॉजी कोर्सेज के कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में। देखिए, अगर आप रेडियोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पांडिचेरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप और भी कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज vidya.in www.vidya.in पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी सारे कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि रेडियोलॉजी कोर्सेज को करने के बाद आपकी सैलरी क्या हो सकती है। देखिए, अगर आप एंट्री लेवल के सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी 10,000 to 15,000 ही होगी, क्योंकि ये सभी कोर्सेज शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं तो इनमें स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम्स करते हैं तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेके 35,000 to 40,000 तक हो सकती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी पूरे पर्टिकुलर कोर्स में क्या सीखा है, किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करी है। जैसे कि मैंने अपने पहले के सभी वीडियोस में बताया है कि पैरामेडिकल के कोर्सेज सभी स्किल बिल्डिंग के कोर्सेज होते हैं। तो जैसे जैसे आपके अंदर एक्सपीरियंस गेन होता है, जैसे जैसे आपके अंदर स्किल आती है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। और रेडियोलॉजी में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल के बाद 40,000 to 50,000 रुपीज़ की बहुत आसानी से सैलरी मिल सकती है। फ्रेंड्स, अब हम आपसे बात करते हैं रेडियोलॉजी की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। देखिए, रेडियोलॉजी की करियर अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छी है। हर छोटे से छोटे शहर में आजकल नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, और किसी भी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि रेडियोलॉजी के बगैर किसी भी पेशेंट का सही तरह से ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल है। तो आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सभी तरह के सिटीज़ में आसानी से मिल जाएंगी। आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम करके काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स या फिर क्लिनिक्स में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी इस वीडियो में कोशिश करी है कि आपको रेडियोलॉजी से जुड़ी हुई सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बट अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर, आपके कमेंट्स का आंसर हम जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।